दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं अपने दोस्त को छोड़ने आया था, भुवन सर को, एक कंपनी में वो काम उसका हो गया है तो वहाँ पर छोड़ने आया था। तो मैं सोचा कि बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह है तो एक नज़ारा आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ठीक आपके सामने वो वाला देखिए। आप लोग हमेशा सोचते होंगे भुवन सर उड़ीसा का कैपिटल है जहाँ पर कि बड़े बड़े अपार्टमेंट होंगे और बहुत सारे शोरूम, बहुत सारे मॉल होंगे, शॉपिंग मॉल्स। लेकिन उससे थोड़ा हटकर अगर आप थोड़ा बाहर आएंगे, उससे थोड़ा जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे यहाँ पर पहाड़ भी है, जंगल भी है, बहुत सुंदर जगह है। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए सामने देखिए वहाँ पर पहाड़ है। देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, ये अलग ही टाइप का फील हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि एक व्यू आप भी देख लीजिए भुवन सर का, कुछ खूबसूरत नज़ारा, हरा भरा पहाड़ है यहाँ पर, जंगल है। लेकिन बहुत सारे घर यहाँ पर अभी बन रहा है, जंगल को हटा रहे हैं धीरे धीरे, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला, लगता है कि आज मैं पूरी तरह से भीग जाऊँगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना शानदार, कितना खूबसूरत हुआ है। दोस्तों देखिए बादल एकदम से काला हो चुका है, बारिश थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हो रहा है, फिर से रुक जा रहा है। अभी पता नहीं किस वक्त बारिश ज़ोर से हो जाए और मुझे पूरी तरह से भिगा दे। दोस्तों चलिए देखते क्या होता है, चलिए अभी सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों आप लोगों को हमेशा लगा कि भुवन सर उड़ीसा के कैपिटल है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर अपार्टमेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने होंगे। लेकिन थोड़ा अगर आप हटकर आएंगे जंगल के तरफ, वहाँ पर जंगल भी मौजूद है नंदन कानन के पीछे वाला साइड में। उधर अगर आएंगे चंदगा रोड में तो आपको ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग सामने, और भी आगे चल के मैं आपको और भी इसके बेहतरीन खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप लोग देखिए सामने सामने देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। देखिए दोस्तों दोस्तों आप लोगों को मेरा दोस्त को दिखाना चाहता हूँ, मेरा साथी जो मेरा हम सफ़र, देखिए दोस्तों मेरा हम सफ़र को देखिए, ये है मेरा हम सफ़र, इससे मैं जाना आना करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, देखिए आज मैं इससे आया हूँ। और आप दोस्तों अगर आप भुवन सर से चंदगा रूट में आएंगे तो ये सब खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको भुवन सर सिटी में नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, शोरूम, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन भुवन सर के अंदर आपको ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको नेचुरल चीज़ें पसंद है और देखने का अगर आपको दिल है भुवन सर आते हैं तो आप चंदगा रूट में आइए, आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत ही हरा भरा है। दोस्तों भुवन सर से थोड़ा अलग यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही अलग है और यहाँ पर पॉल्यूशन ना के बराबर है। दोस्तों